देवास के निवेश क्षेत्र में लैंड पुलिंग योजना जहां किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है, तो वहीं सरकार के लिए गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। लैंड पुलिंग योजना का देवास में जबरदस्त विरोध दिखा जा रहा है। युवा किसान संघ ने आज इसे लेकर मोर्चा भी खोल दिया है, जिन्होंने योजना के खिलाफ पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है और देवास की 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। युवा किसान संघ के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने बताया कि हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी पहले लैंड पुलिंग योजना के समर्थन में थे, किंतु जब उन्हें समझ में आया कि यहां के सभी किसान इसके विरोध में हैं, तो उन्होंने किसानों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर इसे निरस्त करने की मांग की। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों की बिना सहमति के उनकी एक भी इंच जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन इन्वेस्टर्स मीट में उद्योगपतियों को जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया गया। युवा किसान संघ अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कहा कि अगर यह योजना आती है तो आने वाले समय में किसानों को दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ेगा। जो जमीन 80 में किसानों से ली गई थी, उसमें ही 70% उद्योग बंद पड़े हैं। हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जिस तरीके से लैंड पुलिंग योजना आई थी और सारे किसानों ने इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बगैर किसानों के सहमति के एक इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहां पर यह स्पष्ट होता है कि दो मुही सरकार है। वो किसानों से जब संवाद करते हैं तो उनको कहते हैं कि बगैर सहमति के जमीन नहीं ली जाएगी। जब वो अपने उद्योगपति मित्रों से जब बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि 1,22,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है। तो इसी सब बातों को लेकर के और मीडिया जगत के माध्यम से कि हमको पता लगा कि देवास में वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि देवास में 80 के दशक से जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो भी आज खाली पड़े हुए हैं। करीब करीब 10,000 बीघा जमीन जो औद्योगिक कंपनियों के पास में पड़ी हुई वो खाली है। इसके विपरीत आकर के 26,500 नई जमीन को एक्वायर करना, मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी है और देवास जिले के जो किसान है उनके एक तरीके से विपक्ष में जाके काम करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीतियों के इन्हीं नीतियों के चलते और हमारे देवास जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते देवास एक विकसित जिला होने की बजाय सिर्फ एक मजदूरों का गांव बचा हुआ है और यहाँ 200-200 रुपए में काम करना पड़ रहा है लोगों को। आपने चरणबद्ध आंदोलन की बात की थी, क्या करेंगे चरणबद्ध आंदोलन? अगर सरकार ने हमारी सुध नहीं ली और ये जो नोटिफिकेशन था या जो योजना लेके आई है इसको सार्वजनिक रूप से अगर सरकार निरस्त करने की अगर बात नहीं करती है तो हम पंचायत स्तर पर जाएंगे, हर गांव-गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करेंगे कि प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है वो किसान विरोध। बिंजाना, रसूलपुर, लोहार पिपलिया, बांगर, सिंगावदा, लोहारी, मरेठी, हवनखेड़ी, राजोदा, सिरोलिया, धामंदा सहित 32 गांव जिन्हें इस योजना में लिया गया। इन 32 गांवों की करीब 26,500 बीघा जमीन आ रही है। इन गांवों में अधिकांश गाँव हाट पिपलिया क्षेत्र के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देवास।